वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेंडी हेड डिसीजन। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा FL.OZ और OZ के ऊपर। आज हम इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको क्या बोलते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स इस फील्ड में नए आते हैं वो प्रोडक्ट्स को देखकर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कई प्रोडक्ट्स के ऊपर नंबरिंग सिस्टम में लिखा होता है 15.8 OZ, मींस इसको हम प्रॉपर स्टडी करेंगे विद एग्जांपल के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें। और जो न्यू फ्रेंड्स इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी को इस बेसिक सी चीज़ का सभी को पता चल सके। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे OZ, जिसको कहा जाता है आउंस। आउंस वज़न और नाप और वॉल्यूम में उपयोग की जाने वाली अलग अलग यूनिट्स का एक नाम है आउंस। हम एग्जांपल से समझते हैं, मतलब कोई 300 ग्राम की कोई चीज़ है तो इसको OZ में क्या बोलते हैं, और अगर कोई 300 ml की चीज़ है तो इसको OZ में FL OZ में क्या बोलते हैं, FL का मतलब क्या होता है और OZ का मतलब क्या होता है, हम ये सभी चीज़ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि OZ को आउंस बोलते हैं, तो एक आउंस में कितने ग्राम होते हैं? एक आउंस में ग्राम होते हैं 28.4 ग्राम। तो हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास एक OZ किसी प्रोडक्ट पे लिखा आता है तो मतलब उसका जो वेट है ग्राम में 28.3 और 4 ग्राम उसका वेट होगा। इसको हम एक और छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 15.8 आउंस दिया है, तो आपने कैसे उसको पता करेंगे कि वो कितने ग्राम का है? तो आप क्या करेंगे, 15.8 × 28.4 ग्राम इक्वल टू 448.72 ग्राम उसका आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया था, हमको 15.8 आउंस तो पहले ही दिया हुआ था और हमें 1 आउंस पे कितने ग्राम होते हैं वो तो हमें पता ही था। तो हमने क्या किया, 15.8 × 28.4 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 448.72 ग्राम। अगर मान लो एक प्रोडक्ट आपके पास और है तो उसके ऊपर 500 ग्राम का नंबर दिया हुआ है, आपको अब ग्राम में तो पता है बट आपको आउंस में उसका वेट निकालना है, तो आप क्या करोगे, 500 ग्राम डिवाइड बाय 28.4 इक्वल टू करोगे तो आपका आंसर आएगा 17.60। आपको सिर्फ ग्राम में वेट दिया गया था बट आपने उसका आउंस में वेट निकाल लिया। तो अब हम बात करेंगे FL.OZ के ऊपर। OZ का तो आपको पता लग ही गया कि OZ को इनटू ग्राम में कैसे वेट निकालते हैं। अब FL का मतलब होता है फ्लूड, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि डेवलपर होते हैं, न्यूट्रलाइज़र होता है, कैराटिन होती है, शैम्पू होते हैं, इसको हम कैसे, जो इसका जो लिक्विड फॉर्म होते हैं इनको कैसे हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे इनको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब हम उसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेके उनको समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक FL OZ में कितना ml होता है। एक FL OZ में होता है 29.574 ml। हम एग्जांपल लेंगे जीके की जो छोटी पैकिंग आती है कैराटिन की, उसकी वो होती है 300 ml की, तो हमने 300 ml हमें दिया गया है, तो हमने उसको FL.OZ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 300 ml तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो एक FL OZ में कितना ml होता है, 29.574 ml। तो हम क्या करेंगे, 300 ml को डिवाइड करेंगे 29.574 से और जो आंसर आएगा वो होगा 10.14440454453। अब हमने किया FL OZ, तो सबसे पहले हमने किया था OZ मतलब आउंस, और उसके बाद किया था हमने FL OZ मतलब फ्लूड आउंस। फ्लूड को क्या बोलते हैं वो भी हमने कर लिया, फ्लूड को कैसे ml में कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे फ्लूड को कितने ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक फ्लूड को हमें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जाना या बहुत ज़रूरी है कि एक फ्लूड में कितने ग्राम होते हैं। एक फ्लूड में होते हैं 29.574 ग्राम। ओके, तो नॉर्मली सर डिफरेंस है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस पिछले में उसमें था 29.5735 और इसमें 29.574। तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं ओलाप्लेक्स की।
ओलाप्लेक्स में क्या होता है, ओलाप्लेक्स में 17.75 FL ओजेड होता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 29.574 से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 524.9385 524 ग्राम। तो इसमें हमने क्या किया था, जो हमारे ओलाप्लेक्स था उसमें हमें ऑलरेडी फ्लूइड आउंस नंबर दिया गया था, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया है जो हमारा एक आउंस में ग्राम होता है। अगर इस वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न लग रही है तो आप इस वीडियो को एक दो बार रिपीट करके ज़रूर देखें, और अपने साथ पेन और कॉपी साथ में रखें और इसको प्रॉपर करके देखोगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मैंने भी जब स्टार्टिंग में ये एफ जेड ओ जेड देखा था तो काफ़ी कन्फ्यूज़ होता था और मेरे माइंड में काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती थी भाई ये क्या चीज़ है। तो मैंने जब इसके बारे में किसी से पूछा तो किसी को पता नहीं कोई क्या बोल रहा था कोई क्या बोल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। पर जब मैंने इसकी खुद से रिसर्च वगैरह की तो मैंने देखा तो उसको समझा, आई थिंक मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए ताकि काफ़ी जनों के जो डाउट है वो क्लियर हो सके। अगर आपके पास भी कोई लॉजिकल क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और आपने अगर पर्सनल मैसेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।